खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए, यूहन्ना रसूल की इंजील 8वां बाब 31वीं आयत से तलावत करेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील 8वां बाब 31वीं आयत में यूं मरकूम है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तू क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे। यीशु ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। कलाम मुकद्दस का बड़ा सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखिए, आइए अपने सर को खुदा के सूर झुकाए, सब सर झुक जाए और सब आंखें बंद हो। खुदा की सूरी हमारे दरमियान है, और जब वो हमारे दरमियान है तो हमसे कलाम करता है और उसके कलाम की कुदरत से अजायब ज़हूर में आते हैं और सारे बदहन छूट जाते हैं और वही कामिल आज़ादी अपने लोगों को बख्शता है। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक आए ज़िंदा खुदा, में तेरा शुक्र तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूँ आज के बाबरकत दिन के लिए जो हमें याद दिलाता है कि तू फाते है, मौत और कब्र पर फतह पाकर तू मुर्दों में से जी उठा है और जिंदा है और अकल अबार जिंदा रहेगा। खुदा इस वक्त तेरे तमाम बेटे और बेटियां जो चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट में तेरी आवाज़ को सुनने के लिए हमतन ग्रोश है, और इसी तरह जो इस प्रोग्राम जिंदा मसीह की कलीसिया को अपने घरों में या जहां भी है और सुन रहे हैं, आई खुदाम इन पर तेरी बरकत चाहता हूँ, और इसी तरह खुदाम तेरा फसल तेरे लोग पर हो। और एक खुदाम आज अपने कलाम के नसूल से हर एक को बरकत और कसरत की बरकत और मामूली से मामूल करना। एक खुदाम मैं अपने आप को भी तेरे रसूल लाया हूँ ताकि मैं अपने इल्म, आपकी आकल, आपकी दानाई, आपकी फहमो फिरासत या आपकी किसी इंसानी खूबी से नहीं, बल्कि मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ ताकि तेरे पाक के वसीला से तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुँचे। ऐ खुदा तेरा शुक्र हो कि तू ऐ खुदा आज़ादी बख्श कर आज़ादी को कायम रखने के लिए अपने आइन और अहकाम हमें बख्शता है ताकि हम कामिल आज़ादी के साथ तेरे फसल से मामूल रहें। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ, मेरी दुआ को सुन कबूल कर, ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदा के सुंदर मुकद्दस कलाम में योना की इंजील 8वां बाब 36वीं आयत में लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद
होगी। अजीजों, बेटा आजाद करे तो आजाद होंगे, और आज का हमारा मज़मून है यीशु ने हमें आजाद किया है। आज का मज़मून है यीशु ने हमें आजाद किया है। कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील 8:34 आयत में लिखा है, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। और कलाम खुदा में यहाँ पर वाज़ह तौर पर हमें मिलता है कि जो कोई भी गुनाह का इर्तकाब करता है वो गुनाह का गुलाम है, और इस गुलामी से और इस गुनाह की गुलामी से कोई भी आज़ाद नहीं कर सकता। हाँ, कितना आलिम हो, मुदब्बर हो और फिलोसोफर हो और मुख्तलिफ अलूम से वो तालीम याफ्ता हो, लेकिन बाइबल ये बयान करती है कि कोई ऐसी हस्ती नहीं जो गुनाह की गुलामी से आज़ाद कर सके, और गुनाह की गुलामी से सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा यीशु इब्ने खुदा, जो मेरे आपके और कायनात के हर फर्द बशर के लिए आसमान से ज़मीन पर आ गया, और उसके तजस्सुम का मकसद ही ये था कि नौहे इंसान को गुनाह की गुलामी से आज़ाद करे। अजीज़ों, जब कोई शख्स गुलाम होता है उसकी अपनी मर्जी नहीं, और यीशु ने इब्लीस की गुलामी से आज़ाद किया, क्योंकि इर्तकाब गुनाह से इंसान शैतान का गुलाम हो गया, मुती हो गया। और मसीह ने आज़ादी देने के लिए इस दुनिया में आकर कफारा दिया ताकि हम आज़ाद हों और हम अपनी उस आज़ादी में अपने खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ कर सकें। कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील 8:36 आयत में लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। यीशु मसीह आज़ादी बख्शता है, और हमें उसने आज़ादी बख्शी है, और उसने इस आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और वो कुर्बानी ये है कि वो हमारे लिए वो मसलूब हुआ, हमारे लिए उसे कफारा दिया, हमारे लिए दुख सहकर हमें दुख से रहाई दी, और बहुत बड़ी और अजीम कुर्बानी के बायस हमारी आज़ादी मुमकिन हुई। और हम अपने खुदा का शुक्र करते हैं, अपने मसीह का शुक्र करते हैं, अपने मुनज्जी का शुक्र करते हैं, अपने कफारा देने वाले यीशु का शुक्र करते हैं, जिसने हमारी ज़िंदगी में अपनी कुदरत से अजीम काम किया और हमें उससे आज़ादी बख्शी, उससे हमें खलासी बख्शी, उससे हमें रहाई बख्शी। और बेटा आज़ाद करे तो आज़ाद होते हैं। कामिल आज़ादी, हतमी आज़ादी, ना ख़त्म होने वाली आज़ादी, और ये आज़ादी खुदा के बेटे यीशु के वसीला से हमें हासिल हुई है। और आज का मज़मून है यीशु ने हमें आज़ाद किया है, और आज़ादी ये है कि उसने आज़ाद करके हमें हिकमत दी है कि हम वो कुछ करें जो वो चाहता है, उसकी रसा, उसकी मर्जी और उसके आइन पर चले, और अपनी आज़ादाना मर्जी से, अपनी फ्रीडम से, अपनी लिबर्टी से हम उसके आइन पर, उसके अहकाम पर, उसके कलाम पर, उसके फरमान पर हम आज़ादी के साथ अमल पैरा हो सकें। और कोई खारजी और कोई दाखली कुवत नहीं, ना खारजी दबाव ना दाखली दबाव हम पर है कि हम उसके अहकाम पर अमल न करें, बल्कि उससे उन सारे प्रेशर्स को और उस सारे दबाव को और उस खारजी दबाव को उससे हमेशा के लिए
खत्म किया है और हमें आजादी बख्शी है ताकि हम आजादी के साथ उसकी पैरवी करें। आजादी बख्शी है, आजादी के साथ उसके कलाम को पढ़े। आजादी बख्शी है कि उसके कलाम पर आजादी से अमल करें। आजादी बख्शी है ताकि हम उसके घर में आजादी के साथ आ सकें। आजादी बख्शी है ताकि हम उसके आजादाना उस आजादाना फिजा में हम उसकी इबादत और प्रस्तुति करें। तो खुदावंद ने हमें आजादी बख्शी है। आइए मेरे साथ देखिए गलतियों 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत। नाम है खुदा में गलतियों 5वां बाब 13वीं आयत में लिखा है, ऐ भाइयों तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका भरे, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। हम आजादी के लिए बुलाए गए हैं। हमारी आजादी को हमारा खुदा कायम और बरकरार रखता है, और आजाद होने के बाद फिर कोई कुव्वत आप पर मुसल्लत नहीं हो सकती, और कोई दाखली या खारजी दबाव हम पर नहीं हो सकता कि हम खुदावंद के आइन पर ना चल सकें। खुदा ने हमें आजाद किया है, यीशु ने हमें आजाद किया है, और गलतियों 5वां बाब 13वीं आयत में लिखा है, ऐ भाइयों तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। हम आजादी के लिए बुलाए तो गए हैं, लेकिन ये आजादी जिस्मानी कामों के लिए नहीं, ये आजादी गुनाह और बदी के लिए नहीं, बल्कि उसने गुनाह से हमें आजाद किया है ताकि बेगुनाही में, मासूमियत में, पाकीज़गी में हम अपने खुदा के उस कामिल शरीयत पर चले, उसके फरमान पर चले, उसके कलाम पर अमल करें। और हमारी आज़ादी ये है कि हम पाकीज़गी में बढ़े। आज़ादी ये है हम उसकी हुज़ूरी में बढ़ते चले जाएं। आज़ादी ये है कि उसका कलाम सुने और उसके कलाम के ऐन मुताबिक हम आपकी ज़िंदगी गुजारे। अज़ीज़ों खुदावंद ने हमें आज़ाद किया है, और आज़ाद किया है दोबारा कैद होने के लिए नहीं, दोबारा गुलाम होने के लिए नहीं, दोबारा आज़ादी के सलब होने के लिए उसने हमें आज़ाद नहीं किया, बल्कि आइए मेरे साथ देखिए गलतियों 5वां बाब और उसकी 1वीं आयत। गलतियों 5वां बाब 1वीं आयत में लिखा है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। अब हमारी आज़ादी रिटेन होती है, हमारी आज़ादी बरकरार रहती है जब हम अपने आज़ाद करने वाले यीशु के साथ कायम रहते हैं, हम उसके कलाम के साथ उसकी अतात करते हैं, और हम उसके बगैर रह नहीं सकते और वो हमारे बगैर नहीं रहता, और यूँ हमारी आज़ादी को फिर खतरा लाहक नहीं है। और एक बात याद रखें, जब भी आज़ादी हासिल होती है, उस आज़ादी के खिलाफ, आज़ादी होने के बाद भी आज़ादी को सलब करने के लिए खतरात मुंडलाते रहते हैं, और इसलिए आज़ादी की बका के लिए और इस्तेकाम के लिए फौज को मुतय्यन किया जाता है जो किसी मुल्क की सरहद की हिफाजत करे। और इसी तरह खुदा अपने फरिश्तगान को हमारे ईमान की सरहदों पर मुतय्यन करता है,
और हमारी आजादी को कायम रखता है। और जब हम खुदा के साथ कायम रहते हैं, उसके कलाम में कायम रहते हैं, उसकी हुजूरी में रहते हैं, तो हम अपनी आजादी को बरकरार देखते हैं और हम आजाद ही रहते हैं। यीशु ने हमें आजाद किया है। और गलतियों 5वें बाब की 1वीं आयत में लिखा है, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। क्या ही खूबसूरत पहलू पौलुस रसूल गलतियों को बयान करता है कि आजाद रहने के लिए मसीह ने आजाद किया है। उसका बुनियादी मकसद ये है कि हम आजाद हो, आजाद रहें। और ये आज़ादी और आज़ादी का कायम रहना, और जब आज़ादी कायम रहती है तो तरक्की होती है। जब हमारी आज़ादी कायम रहती है, हम रूह में मामूर होते चले जाते हैं। हमारी आज़ादी कायम होती है, हम पाक पाकीज़गी में बढ़ते चले जाते हैं, बल्कि कमाल पाकीज़गी की तरफ हम बढ़ते ही चले जाते हैं। और उस पाकीज़गी के बायस खुदा का रूह हमारी ज़िंदगी में काम करता है। और रूह कुद्दस की तारीख से हम सोचते हैं, रूह कुद्दस की तारीख से हम देखते हैं, रूह कुद्दस की तारीख से हम अमल करते हैं। और हमारे अमाल, हमारे अफकार, हमारी ज़िंदगी का हर एक पहलू खुदा की मर्सी के ताबे और खुदा की मर्सी से हम अहम होता है। और हम उसकी मर्सी के सांचे में डल कर फिर आज़ादाना तौर पर उसकी मामूली से मामूल होते हैं। और वो हाकिमुल हिकमत है, और हम उसकी हिकमत से मामूल होते जाते हैं। और खुदा का फसल हमारी ज़िंदगी में बढ़ता ही चला जाता है। आइए मेरे साथ कलाम खुदा में देखिए, यसाया नबी का सही पार 61वां बाब 1वीं आयत को पढ़ेंगे। यसाया नबी का सही पार 61वां बाब और उसकी 1वीं आयत में लिखा है, खुदम खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उससे मुझे मसा किया ताकि अलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। अज़ीज़ो, बाइबल ये बयान करती है कि आज़ादी का ऐलान सिर्फ खुदा करता है। असीर जो गुनाह के असीर, जो शैतान के असीर, जो बदियों के असीर, उनकी आज़ादी का ऐलान सिर्फ यीशु ने किया और वो आज़ाद हो गए। उस ऐलान आज़ादी से उनके लिए आज़ादी हासिल हो गई और असीरी से आज़ादी यीशु ने बख्शी, ताकि हम फिर उसके कदमों में झुक सकें और उसके फरमान और उसके आइन का इत्तबा करें। और ये ऐलान आज़ादी का मसीह ने किया, इसलिए कि वो मसा किया गया, अनाइंट किया गया, और अनाइंट किया है हमारी आज़ादी के लिए, अनाइंट किया है हमें गुनाह से आज़ाद करने के लिए। वो अनाइंट किया गया है ताकि हमें कामिल आज़ादी बख्शे। और ऐसी कामिल और ऐसी हतमी आज़ादी कोई और न दे सका, न दे सकेगा, जो खुदा के बेटे यीशु ने मुझे, आपको और कायनात के हर एक फर्द बशर को जो कामिल आज़ादी मसीह ने बख्शी। अज़ीज़ों, इसलिए हम अपने खुदा का शुक्र करते हैं उसकी इस आज़ादी के लिए और उसके इस बड़े फसल के लिए जो उसने हम पर किया। हम दिल से उसके मशकूर हैं और दिल से उसके शुक्रगुजार हैं। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में देखिए, रोमियो 8वां बाब, रोमियो 8वां बाब 1वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में रोमियो 8वां बाब 1वीं आयत में लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में है
उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत में मसीह यीशु ने, दूसरी आयत को मैं पढ़ूंगा, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत में मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। अब यीशु मसीह ने गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। अजीजों, ये कितनी अजीम आज़ादी है, और जिसको हम जब जान लेते हैं तो हम अपने खुदा खुदा के बेटे यीशु के ताबे रहते हैं, खुदा के पाक रूह की तारीख में चलते हैं, इसलिए कि उसने हमें आज़ादी बख्शी है मौत से और गुनाह से। उसने आज़ादी बख्शी है, हमें जिंदगी बख्शी है, मौत से आज़ाद करके हमें जिंदगी बख्शी है, और हम उस जिंदगी और अपनी जिंदगी के लिए अपने खुदा का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि उसने हमें आज़ादी बख्शी है और हम उसके शुक्रगुजार हैं। और जो आज़ाद है वो दोबारा गुनाह की तरफ नहीं बढ़ते, वो असीदी की तरफ नहीं जाते, बल्कि वो अपने खुदा के साथ कायम रहते हैं, और इस तरह उनकी ज़िंदगी में खुशियां और बरकत बरकरार रहती है, और वो इस आज़ादी का आज़ादाना इस्तेमाल करते हैं खुदा के अजीम कामों में और उसकी हुज़ूरी में बढ़ने के लिए। कलाम खुदा में देखिए लूका 13वां बाब, लूका तबीब की इंजील 13वां बाब, दसवीं आयत में यूं मरकूम है, फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी, वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ए औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तंजीद करने लगी। खुदा के कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि मसीह ने इस औरत को आज़ाद किया जो 18 साल से किसी बदरू के कब्जे में थी। देखिए लूका 13वां बाब 10वीं आयत, फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी, वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। अब ये औरत 18 बरस से अब ये कमजोरी के कब्जे में थी, ये बदरू के कब्जे में थी, ये शैतान के कब्जे में थी, अब इसकी आज़ादी सलब हो चुकी थी, अब ये सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी और सीधी चल नहीं सकती थी, और शैतान ने अपना कब्जा जमा कर उसे कमज़ोर कर दिया, उसे कुबड़ा कर दिया, उसमें चलने की सकत नहीं रही, अब वो दौड़ नहीं सकती, अब वो काम इतने तेज़ी के साथ करने से कासिर है, इसलिए कि शैतान ने उसकी आज़ादी को छीन लिया, शैतान ने उसकी कमर को इतना कमज़ोर कर दिया कि वो झुक गई और वो कुबड़ी हो गई, और जिसकी वजह से अब आज़ादी के साथ जा नहीं सकती, आज़ादी के साथ काम नहीं कर सकती। अब सोचे कि 18 बरस से ये आज़ादी से महरूम है, और मसीह ने एक लम्हे में आज़ादी बख्शी, और बाइबल ये बयान करती है मसीह ने कलाम किया, उसका कलाम आज़ाद करता है। कलाम खुदा में देखे लूका 13वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उसे देख कर पास बुलाए और उससे कहा, ए औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। कलाम किया और कलाम आज़ादी बख्शता है, तेरे कलाम ने
बख्शी आसानी। हम गीत गाते हैं तेरा कलाम जमाने में, ऐ खुदावंदा तेरे कलाम ने बख्शी आजादी। और यहां हम देखते हैं कि मसीह ने अपने कलाम की कुदरत से इस औरत को जो आजादी से महरूम हो चुकी थी और इससे कलाम किया और कलाम खुदा से उसे आजादी हासिल हो गई। मसीह का कलाम आजाद करता है, मसीह का कलाम रहाई बख्शता है, मसीह का कलाम आजादी हमें देकर हमारी आजादी के हका और हमारे इस्तेकाम के लिए वो अपने कलाम के नज़ूल से हमारी रुश्द व हदायत करता है, हमारी रहनुमाई करता है। अज़ीज़ो, यीशु ने हमें आजाद किया है और हम अपने खुदा का शुक्र करते हैं इस बड़ी आज़ादी के लिए जो उसने हमें बख्शी। और बाइबल बयान करती है ये औरत बिल्कुल आजाद हो गई। और कलाम मुकद्दस में देखे मेरे साथ लूका 13 बाब 16 आयत, बस क्या वाजिब न था कि ये जो अब्राहम की बेटी है जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था सबक के दिन इस बंध से छुड़ाई जाती। जब कोई शख्स बंधा है तो उसकी आज़ादी ख़त्म है और जब शैतान किसी को बांधता है तो उसकी आज़ादी बिल्कुल सलब हो चुकी है। लेकिन बाइबल बयान करती है अब शैतान जब आज़ादी को छीनता है तो इंसान के बदन को बीमारियों में और तकलीफ़ों में और कमजोरी में मुबतला कर देता है। लेकिन यीशु आज़ाद करता है तो सारी बीमारियां भी बीमारियों से भी आज़ादी मिल जाती है। मसीह की आज़ादी देने से यानी गुनाह से आज़ादी के बायस जिंदगी से बीमारियों से आज़ादी, कमजोरियों से आज़ादी। और ये आज़ादी इब्ने खुदा अपने लोगों को बख्शता है और उनकी ज़िंदगी में अपनी बड़ी कुदरत को जाहिर करता है। कलाम मुकद्दस में मेरे साथ देखिए गलतियों गलती 30 गलतियों की सवाब 13 आयत कलाम खुदा में लिखा है मसीह जो हमारे लिए लानती बना उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो भी लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। अज़ीज़ो, मसीह ने सलीबी मौत गवारा की और सलीबी मौत लानती मौत है, हमारी बरकत के लिए उससे सलीबी मौत गवारा की, हमारी आज़ादी के लिए वो मसलूब हुआ और वो हमारी आज़ादी का बानी है। हमारी आज़ादी सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे यीशु के वसीला से हासिल हुई है और हम उसका शुक्र करते हैं कि वो हमें अपने पाक रूह के वसीला से संभालता है और हमारी आज़ादी को वो कायम और बरकरार रखता है। आइए मेरे साथ देखिए कुलसियों 1 बाब और उसकी 13 आयत, कुलसियों 1 बाब 13 आयत में लिखा है उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया जिसमें हमको मुखलसी यानी गुनाहों की माफी हासिल है। असीसो,
हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर खुदा बाप ने अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। तो गोया ये आज़ादी हासिल होने के बाद अब कोई आम लोग न रहे बल्कि खुदा की बादशाही के शहरी हो गए, सिटीजन ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाही के हम बशिंदे हो गए और उसके अजीज बेटे के वसीला से हम उस बादशाही में रहने के का इस्तेहकाक हासिल करते हैं। और क्या ही अजीम आज़ादी है जो हमें यीशु मसीह के वसीला से हासिल हुई, और उस आज़ादी के बायस हम खुदा के बेटे यीशु की बादशाही में शरीक है और उसके बाशिंदे हैं, और इसके साथ ही गुनाह से आज़ादी और शैतान से आज़ादी के बायस हमारी जिंदगी में ये फजल हासिल हुआ कि हम उसके बेटे यीशु के बायस हम उसको कबूल करने के बायस खुदा के फर्जंद हो गए। और यूहन्ना की इंजील में लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसे ने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अजीजों ये क्या असीम हमारी जिंदगी में आज़ादी के बायस हुआ, और ये आज़ादी यीशु के वसीला से हुई। हमें कदर करना है अपनी आज़ादी की, हमें कदर करना है आज़ादी देने वाले की, हमें कदर करना है अपने वक्त की, ताकि इस आज़ादी में हम आज़ाद रहने के लिए अपने खुदा के साथ उसके कलाम के साथ हम पवित्र रहे और आसमानी रूहानी मादी बरकत को हम अपने खुदा से हासिल करें, उसे हमें यह आज़ादी बख्शी है। तो हम अपने वक्त का मस्बत इस्तेमाल करें, हम अपनी सोच को खुदा की सोच से हम आहंग रखें, हम अपने ख्यालों में खुदा के पाक रूह को बसाएं, और हमारा तर्ज अमल, हमारा रवैया, हमारा बर्ताव, हमारा सलूक दूसरों के साथ ये इस बात का इजहार करे कि हम आज़ाद हैं और चाहते हैं कि और भी जो गुनाह में है, जो अबलीस के कब्ज़े में है, जो तारीकी के कब्ज़ा में है, वो भी आज़ाद हो, और हम उनको आज़ाद देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आज़ाद हैं तो वो भी जो आज़ादी से महरूम है वो भी आज़ाद हो, और जिस हमने अपने खुदा से आज़ादी के साथ साथ बरकत हासिल की है वो भी इन सारी बरकतों से मामूर हो। और इसके लिए हम अपने खुदा का शुक्र करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में ऐसी बरकत का नज़ूल करता है। आइए अपने सर को झुकाएं। अजीजों आज़ादी ये है कि हम ये चुनाव करें कि हमारे लिए दुरुस्त क्या है। आज़ादी ये है कि खुदा ने हमें विज़्डम दिया है ताकि हम खुदा की सीधी राह पर चले, उसने हमें हिकमत दी है ताकि सदाकत की राह पर चले और शैतान के बहकावे में ना आए। सब सब चुप जाएं और सब आंखें बंद हो। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, ऐसे तब खुदा मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ तेरी बेटियों और बेटों के लिए जिन्होंने खुदम तेरी आवाज़ को सुना, और ये खुदम मेरा ईमान है तेरे कलाम से आज़ादी है, और तू आज़ाद करने वाला हमारा जिंदा खुदा है, और इस वक्त तमाम इन जिंदगियों पर
तेरा अबर, तेरा जलाल, तेरी कुदरत चाहता हूँ। और जो भी अबलीस के कब्जे में है, जो भी गुनाह की असीरी में है या शैतानी कुवतों के कब्जा में है, आज यीशु के नाम से आजाद हो जाए। और खुदा उनको दुआ आजाद कर, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ। और तू आया ही इसलिए कि बनी नौ इंसान को गुनाह की असीरी से रहाई दे, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। खुदा के बेटे यीशु, तेरा शुक्र हो, तो हमारे लिए मसलूब हुआ और तेरी मसलूबियत से हमें जिंदगी और आज़ादी हासिल हुई। तूने हमारी आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, खून बहाया, अजीम कुर्बानी दी, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ऐ बाप, ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा में यीशु मसीह के वसीला से। आमीन।